हेलो जी, मोहल्ले के सभी लौंडों ने आपका वेलकम किया है और मोहल्ले के दो लौंडे मेरे साथ हैं, ये रहे। तो कुछ बोलना चाहते हैं क्या भैया? कुछ भी। हेलो जी, आज पूरे एक महीने बाद मोहल्ले के सभी लौंडों ने आपको वेलकम बोला है। वैसे आप भूल रहे हैं कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है और आपको वीडियो बनाने हैं। जी हाँ, पता है मुझे भाई, मौसम देख रहे हो। सुबह का नाश्ता और शाम को खेलना, बस यही याद रह जाता था। अब भाई इस मौसम में तो ब्लॉग नहीं हो सकता ना, और इस फोन से तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और भाई सावन का पावन महीना चल रहा था तो भगवान शिव की पूजा भी कर ली। स्वैग तो मारना ही था, लेकिन इस फोन से स्वैग तो नहीं मार सकते ना। ये लड़का आज नया फोन लेने वाला है। क्या कह रहे हो लड़के? हाँ जी भैया, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। मैंने लिया है Redmi K20 Pro। अब बात करते हैं इस फोन की फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा 4000 mAh की बैटरी। हालांकि इस बजट में 5000 या 6000 mAh की बैटरी वाले जितने भी फोन से आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, बट इसमें थोड़ा सा बैटरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बट स्टिल दिस फोन इज बॉम्ब। इस फोन में आपको दोनों तरफ प्रोटेक्शन मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो भैया सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बवाल चीज है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की फेवरेट चीज। इसमें आपको टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसमें एक्स्ट्रा फीचर जो है वो ये है, इस फोन में आप 30fps, 60fps और 120fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि आप इसमें 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K भी सपोर्ट है, और 4K में आप स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है जो कि काफी स्पेशल है, और वो फीचर है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए। तो इसमें एक ब्लॉगिंग के लिए फीचर दिया गया है, फिल्टर फीचर। बहुत सारे फोन में आपको अलग अलग फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ फिल्टर्स एक्स्ट्रा है जो कि आपके वीडियो को और भी ज्यादा इनहेंस कर देंगे। इसमें एक और चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे इस कैमरे की फीचर है, जो कि काफी बवाल है, वो ये है कि आप किसी का भी पिक्चर ले सकते हैं। आप इसमें सेट कर सकते हैं अपर्चर, ISO, शटर स्पीड और वाइट बैलेंस को सेट करके आप अगले का बहुत ही अच्छा बेहतरीन पिक्चर निकाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। ओवरऑल अगर बात करें इस फोन की तो ये फोन काफी कमाल का है, और ये फोन इसीलिए मैंने ये परचेस किया है। और भी सारे इस बजट में फोन्स थे, बट उसमें दो चीजें नहीं थी, वो ये कि आप उसमें एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं मेमोरी, और सेकेंड थिंग कि आपको उसमें 3.5mm का जैक नहीं मिलता था। लेकिन इसमें आप 3.5mm का ईयरफोन जैक भी मिल रहा है, एंड आप यहाँ पे एक्सपेंड तो नहीं कर सकते हैं मेमोरी, बट स्टिल इसमें आपका इतना स्टोरेज मिल रहा है जो अपने मेमोरी को लगाना नहीं चाहेंगे। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, पहला 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, एंड सेकेंड वेरिएंट आता है आपका 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। तो आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। वैसे मेरा वाला जो है वो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। ये थी हमारी पूरी एक महीने की ब्लॉग।